हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल यादव अपने चैनल अनिल यादव प्लम्बिंग मार्ग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से नल के पाइप की कितनी हाइट होनी चाहिए फ्लोर से। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ड्रेन का पाइप जो हमने बनाया है वो ज़मीन से 15 से 18 इंच की हाइट पे अलग अलग चीज़ों के हिसाब से वाटर ड्रेप बेस पाइप के हिसाब से होता है। और ये जो हम पाइप देख रहे हैं ये हम 17 से लेके 20 इंच तक फ्लोर से, जो अभी नॉर्मल अपना हमारा आरसीसी होता है फ्लोर का, उससे 17 से 20 तक बना सकते हैं। और ये हमारा मिक्सर का पॉइंट है, ये हम फ्लोर से जो हमारी आरसीसी, ये जो बाहर के कमरे की आरसीसी से, इससे हमने बनाया अभी 3 फिट। तो ये अप्रॉक्स गिट्टी डलने के बाद, मतलब फ्लोर लगने के बाद में 34 इंची समथिंग बचेगा। और ये हाइट 34 इंच इसलिए रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर से चालू करे तो ज़्यादा झुकना ना पड़े, और कोई व्यक्ति अगर बैठ के नहाए तो उसे ज़्यादा उसका हाथ आराम से उसका पहुंच जाए। तो इस तरीके से हम ये पॉइंट बनाते हैं। और बात करें स्लिंग शावर की, ओवरहेड शावर की, तो ये हम हाइट रखते हैं चौखट से 7 फिट। ये देख सकते हैं आप 7 फिट। और ये हमारे गीज़र के पॉइंट ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं बनाना चाहिए, इतनी ऊंचाई पे बनाना चाहिए कभी भी कोई अगर दिक्कत हो, गीज़र में कुछ काम करना है तो हाथ बढ़ा के और हम बंद कर सकते हैं। और ये जो हम बात करेंगे हमारे डब्बे पॉइंट की, तो ये इंडियन सीट लगने के बाद में ये 12 से 14 इंच की हाइट होना चाहिए। और उसके बाद में ये हमारी टू पीस सीट लगने वाली है, उसके हिसाब से ये पॉइंट है। ये ज़मीन से हमारा 26 इंची पे बना हुआ है अभी, और ये अलग अलग, जैसे वन पीस सीट है तो ज़मीन से 10 इंची पे बनता है, और उसमें टू पीस सीट है इसलिए हमने यहाँ पर बनाया है। और यहाँ से चलते हैं आपको और दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने पोजीशन, ये कॉर्नर पोजीशन के हिसाब से है पॉइंट, ये जैसे ही कॉर्नर या सर्कल यूँ लग जाएगा ऐसा, तो यहाँ से इनलेट जुड़ जाएगा ये, और यहाँ से वेस्ट पाइप आउटलेट डल जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये पाइप, अब आते हैं वहाँ इंडियन सीट है और यहाँ वेस्टर्न सीट है। तो आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न सीट का पॉइंट जो बनता है ना, वो हमने टू पीस के हिसाब से बनाया है। तो इस साइड पर बनाया, अगर वन पीस के हिसाब से बनाते तो हम ये ज़मीन से 10 इंची में बनाते। और ये जो ना इसका डब्बा पॉइंट बनता है इसका वेस्टर्न शीट का, ये ज़मीन से 16 से 18 इंच तक आप बना सकते हैं। और हमारे ये देख सकते हैं ये गीज़र के पॉइंट, ये ओवरहेड शावर है। अब बात करेंगे हमारे किचन के पॉइंट, वो ज़मीन से कितने ऊंचाई पे होना चाहिए। तो हम ये फ्लोर अभी लगा नहीं है टाइल, हम अभी से ज़मीन से 3.5 फिट मतलब 42 इंची पे रखते हैं। वो क्यों रखते हैं कि मान के चलिए अभी ये फ्लोर उठेगा 2 इंच, और जो किचन का टॉप लगता है लेवल है वो आता है 33 इंची से 34 इंची, तो ये मान के चलिए वो हो जाता है 36 इंची, बचता है 6 इंची। तो 6 इंची ये सिंक वॉक के हिसाब से, और अगर हम ये सिर्फ बिप वॉक के हिसाब से बनाएंगे तो इसे हमें और 6 इंची ऊपर रखना पड़ेगा। और यहाँ से चलते हैं, ये हमारा वॉश एरिया, तो देख सकते हैं ये वॉश एरिया के पॉइंट ज़मीन से हमने फ्लोर से अभी ये हमारा 2.5 फिट रखा हुआ है। अप्रॉक्स फ्लोर 2 इंची से उठेगा, तो ये समथिंग आप मान लीजिए कि 28 इंची ये बचेगा। और कोई भी बाल्टी हो वो 17 इंची से बड़ी बाल्टी नहीं होती, तो ये पॉइंट उस हिसाब से ठीक है। और एक पॉइंट ये हमारा, ये ज़मीन से हमने ये 2.5 फिट रखा है, ये पार्किंग में, पार्किंग एरिया धोने के लिए, गाड़ी वॉश करने के लिए है ये पॉइंट। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और कुछ अगर बना वीडियो बनाने में गलती हुई हो उसके बारे में बताएं। धन्यवाद।